अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सरफराज तैमूर, एंड वेलकम करता हूं आपको सरफराज बाइट इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, फिट पार्ट होंगे और अल्लाह के फजल व करम से आपके बाइट भी हेल्दी वेल्दी टिप होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो कम आ रही हैं। थोड़ा सा मसला ये था कि मेरी दाढ़ में दर्द है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा पेन है, तो आज जो है काफ़ी बेहतर है। मैंने डेंटिस्ट को भी दिखाया था, तो इस वजह से मैं सीड मिक्स की समर सीज़न के हवाले से थोड़ी सी अपडेट नहीं कर पाया आपको, तो आज मैंने कहा कि और कल मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था, मोबाइल में इशू आ गया था कि भाई ये चार्ज नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला क्यों ना आप दोस्तों के साथ बर्ड्स की सीड मिक्स समर के हवाले से यानी कि इस गर्मियों के हवाले से आपके साथ अपडेट करते चलें। तो फ्रेंड्स, तो उस पर बात कर लेते हैं कि आपने क्या करना है, गर्मियों की सीड मिक्स अलग होनी चाहिए या वही होनी चाहिए, सॉफ्ट फूड कौन सी होनी चाहिए, इस पर आज हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो आप सीड मिक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ी सी चेंजिंग कर दें। जो आप सीड मिक्स सब्जियों में दे रहे थे, जैसे कि सनफ्लावर सीड, पत्तों वगैरह, तो भाई आप वही चीज़ें आप दे सकते हैं, लेकिन अब जो दाना आप बाजरा कंगनी सब कुछ दे रहे थे, उसमें जो गर्म सीड होंगे जैसे कि पोतोम, कनेरी सीड, सनफ्लावर सीड और भी बहुत सारे सीड हो सकते हैं जो गर्म होते हैं, ठीक है, इलची सीड, यानी कि जो ऑयली सीड होंगे जिनकी तासीर गर्म है, उनकी क्वांटिटी आप कम कर दें। और अगर आपके दाने के अंदर जौ और जई, जौ को इंग्लिश में बारले बोलते हैं, जई को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, जो और जई फ्रेंड्स आप ऐड कर देंगे उस दाने के अंदर, ठीक है, और मिक्स करके आप अपने बर्ड्स को यूज़ कराएं, ठीक है। तो यानी कि आपने जो पहले दाना दिया है या दे रहे हैं आप अपने बर्ड्स को, तो उसको जो है क्या करें, थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, उसमें जो है दाने के अंदर जो गर्म सीड होंगे वो कम कर लें, ठीक। और फ्रेंड्स, आप अपने बर्ड्स को गर्मियाँ आ चुकी हैं, सॉफ्ट फूड वगैरह भी प्रोवाइड करें। सॉफ्ट फूड में आप धनिया, पुदीना, खीरा, लौकी, कद्दू जिसे बोलते हैं, लौकी लंबा होता है और कद्दू गोल होता है, ये चीज़ें भी आप कद्दूकस या चॉप करके दे सकते हैं, ठीक है। और ORS वगैरह आप यूज़ करा सकते हैं। पहले तो जहां आपने बर्ड्स रखे हैं वहां कोशिश करें अपने बर्ड्स को धूप से बचाएं। और मौसम आपको तमाम दोस्तों को पता है, पूरे पाकिस्तान का, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के पीके, तो इन सब का मौसम जो डिफरेंट हो रहा है। तो लास्ट वीक ही मेरे गांव में ओले पड़े थे और बहुत ज़्यादा बड़े ओले पड़े थे, हालांकि मेरे गांव में कभी ओले आए भी होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे आते हैं। तो अल्लाह ताला जो है जब नाराज़ होता है तो फ्रेंड्स इस तरह की बारिशें वगैरह आती हैं या हैवी बारिशें आती हैं, तो ठीक है, तो आप तमाम दोस्त जो है क्या करें, इसमें चेंजिंग करेंगे, इंशाल्लाह आपके बर्ड बेहतर वेट करेंगे। सॉफ्ट फूड लाजमी आपने प्रोवाइड कराना है, ठीक, और धूप से बचाएं, जहाँ अगर धूप आपके बर्ड्स के ऊपर यानी डायरेक्ट पड़ रही है इस तरह, तो आप अपने शेड को थोड़ा सा कवर अप कर दें ग्रीन जाली जो होती है, ठीक है, उससे। और ORS वगैरह यूज़ कराएं, ORS जो है फ्रेंड्स आप पेडीट्राल का यूज़ कराएं तो सबसे बेस्ट है, ठीक, ज़बरदस्त हो जाएगा। अपने बर्ड्स का पानी कम अज़ कम दिन में 2 से 3 बार चेंज करें, दाना इतना दिया करें कि आपके बर्ड्स खा लें तो दोबारा दे दिया करें, ठीक है। अगर आपके बर्ड्स ने ब्रीड की हुई है तो आप उनको सॉफ्ट फूड लाजमी प्रोवाइड करें, ठीक। सॉफ्ट फूड में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, दालें भी आ जाती हैं, दालें वगैरह भी आप भिगो के दे सकते हैं, ठीक, गर्मियाँ तो भिगो के देंगे, बॉइल करके नहीं देंगे, आपने बॉयल राइस आ जाते हैं, एग ब्रेड आ जाता है, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सारी आज की वीडियो है। और किसी दोस्त को, किसी भाई को अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, ठीक है, तो बात कर सकता है, कमेंट करके बात कर सकता है, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, व्हाट्सअप जो नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो काइंडली इस पर कॉल आप व्हाट्सअप पे कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुरेज करें कि डायरेक्ट कॉल ना करें, रमज़ान भी है, और इंशाल्लाह मैं आपके आंसर करूँगा। तो ये सारी अपडेट थी जो आज आपके साथ फ्रेंड शेयर किया, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। फी अमानिल्लाह, तब तक दुआ में याद रखिएगा।